हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है, आज बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। याद रखना है आपको कि आपके जितने भी संगठन खत्म होते जा रहे हैं वो सभी एक जगह डाल दिए जाते हैं। वो है आपकी अपनी प्ले लिस्ट सूची महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से। ठीक है, उसी में डले रहते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यह एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसे दीवानी अदालत के अधिकार मिले हुए हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को दीवानी अदालत के अधिकार मिले हुए हैं। याद रखना है, इसका विस्तार पूरे भारत में है। जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर से 2019 में विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। तब से वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे जो अन्य राज्य में लागू होते थे। अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अब कोई भी एक पॉइंट आपको याद रख लेना है कि वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे जो अन्य राज्यों में होते हैं। ठीक है, तो अब जम्मू कश्मीर से और अन्य राज्यों में कोई भेदभाव नहीं है, तो अब ये पूरे भारत में लागू होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। इसमें चार सदस्य होते हैं जो प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण का अनुभव होना चाहिए इन चार सदस्यों को। अल्पसंख्यक समूह में से किस में से होंगे? अल्पसंख्यक समूह में से होंगे ये सभी सदस्य, लेकिन इन्हें प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण का अनुभव होना चाहिए, इसमें विशेषज्ञ होना चाहिए। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष 3 साल। कितना होता है? 3 साल। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों की बात करें तो इसके कार्यों में शामिल है संघ और राज्य के तहत अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों को अधिकारों या सुरक्षा उपायों से वंचित करने की शिकायत कि शिकायत पर गौर रखना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए केंद्र या राज्य सरकार को प्रभावी उपायों की सिफारिश करना, इसके प्रमुख कार्यों में शामिल है। इसके अन्य कार्यों की बात करें तो इसमें अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करना, अनुसंधान और विश्लेषण करना। केंद्र सरकार को अल्पसंख्यकों के सामने आई मुश्किलों या समस्याओं से संबंधित समय समय पर विशेष रिपोर्ट देना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य। इसकी शक्तियों की बात करें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तो दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं इसे। भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर उसकी हाजिरी लगाना, किसी भी दस्तावेज को खोजना तथा प्रस्तुत करने के लिए कहना। हलफनामों पर गवाही लेना, किसी भी न्यायालय या सरकारी दफ्तर से पब्लिक रिकॉर्ड की मांग करना, गवाहों तथा दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना, इसकी प्रमुख शक्तियों में शामिल है। चलिए, ये था आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। आगे हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन के बारे में। संघाई सहयोग संगठन के बारे में, ठीक है।